शिक्षा मित्र के धरना प्रदर्शन को लेकर क्या तैयारी है और क्या अब तो एक दिन बीच में रह गया है बाकी क्या तैयारी है? आदरणीय मित्रा जी, सादर प्रणाम। भाई विक्रम सिंह जी, उपस्थित सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और वर्तमान में पूरी हम लोग लखनऊ में हैं और 18 तारीख को जो कार्यक्रम है उसकी तैयारी पूरी चल रही है, लगभग तैयारियां पूरी हैं और पूरे प्रदेश से लोग पूरी ताकत में आ रहे हैं। और हम लोग तो यही चाह रहे हैं कि अब संविदा के जितने भी कर्मचारी हैं उनका जीवन सुधरना चाहिए, उनके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। उन्हीं के लिए ये संघर्ष का आगाज हो चुका है और ये संघर्ष एक निर्णायक संघर्ष होगा, इसी के आशा और प्रत्याशा में हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। शिवकुमार जी, कितने लोगों को आने की उम्मीद लग रही है, कितने लोग तक पहुंचेंगे शिक्षा मित्र, किस क्या तैयारियां हैं, क्या सर तो क्या आपने हमने मन किया है, क्या वहां तैयारी है? लखनऊ में इको गार्डन में पहुंचेंगे या भ्रमण किया है? पूरे प्रदेश में हमारे लोग गए हैं, जनपदों पे बड़ी बैठकें हुई हैं और जहां तक कि पूरे प्रदेश में एक एक जनपद में 500-1000 लोगों की भीड़ के साथ बैठक हुई है और उससे ये उम्मीद है कि बड़ी तादाद में लोग लखनऊ में आएंगे और एक बड़ी रैली के शक्ल में जो है शिक्षा में इको गार्डन में अपनी ताकत को दिखाने का काम करेगा। 9-10 हजार रुपया में इस महंगाई में कैसे परिवार पलेगा? 1000 रुपया के आसपास सिलेंडर आता है, 200 रुपया किलो दालें हैं, शिक्षा मित्र अनुदेशक भूख प्यास से मरा जा रहा है। मैं देखता हूँ आए दिन बातें होती हैं तो कि किसी अनुदेशक के घर खाना नहीं बना, उसके बच्चे रोते रहे त्योहार पे, किसी शिक्षा मित्र के घर खाना नहीं बना, वो रोता रहा, कई बार हमारे डिबेट में ऐसा हुआ है। इसीलिए मिश्रा जी, इन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है और अब ये अनवरत जो है चुनाव तक चलता रहेगा और ये संघर्ष जारी रहेगा और इसमें सभी लोगों को हमने आह्वान किया भी था आपके माध्यम से और अन्य मंचों से भी, मैं आह्वान करता हूँ कि सारे लोग आप संघर्ष में आवे और संघर्ष मिल करके करें। अगर ऐसा नहीं होता है तो घर बैठे कोई किसी को कुछ देने वाला नहीं है और खासकर इस वर्तमान सरकार में तो बिना लड़े बिना बोले कुछ किसी को मिलने वाला ही नहीं है, तो इसलिए सबको संघर्ष के लिए निकलना पड़ेगा, सबको अपनी बात बताना पड़ेगा और सबको एकत्रित होकर लड़ना पड़ेगा। अभी तो ये कार्यक्रम हमारा यहाँ चल रहा है और यहाँ मान लीजिए कि नहीं बात होती है तो हम इस कार्यक्रम को अभी दिल्ली भी ले जाएंगे और दिल्ली जाएंगे तो एक बहुत बड़ी संख्या में ले जाएंगे। यहाँ तो अनुदेशक, रसोईया, आंगनबाड़ी और पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, सारे लोग साथ चलने के लिए तैयार है, सबकी पीड़ा है, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। इसलिए मिश्रा जी, इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और इस कार्यक्रम को पूरी ताकत के साथ, अभी एक महीना आपने देखा कि हम लगातार बाहर रहे, एक महीने से हम लोग उसकी व्यवस्था में हैं और आने वाले दिन में हम पुनः फिर बाहर निकलेंगे और इस पूरे कैंपस को जोड़ेंगे, 16.5 लाख लोगों को जोड़ेंगे और लोगों को जोड़ करके लेकर के जाएंगे और फिर एक बड़ा आंदोलन होगा और वही होगा जो हैट्रिक लगाने वाले लोग हैं उन्हीं से चर्चा होगी कि अगर आपको हैट्रिक लगाना है तो हमारी समस्याओं का समाधान करना होगा, अगर नहीं करेंगे तो आपकी हैट्रिक इतनी आसान नहीं है जितना आसान आप समझ रहे हैं, उस पे भी हम लोग घोड़ा डालने का काम करेंगे। शुक्ला जी, क्या जो अभी आपके पास आ रहे हैं उनमें पूरे प्रदेश से, पूरे प्रदेश के जिलों में भ्रमण किया है आपने, तो क्या सहारनपुर से लेके चंदौली तक, पीलीभीत से लेके झांसी तक और पूरे करेंगे कुशीनगर से लेके आगरा तक पूरे प्रदेश से, सहारनपुर से, चंदौली से, मुरादाबाद से, रामपुर से, बरेली से, शाहजहांपुर से, जालौन से, ललितपुर, हमीरपुर, उधर आप चले जाइए सोनभद्र, मिर्जापुर, दुद्धी, सब पूरे प्रदेश में कोई पूरब से, पश्चिम, उत्तर से, दक्षिण, सब जगह से, बसों से, ट्रेन से, व्यक्तिगत साधन से सारे लोग आ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छी संख्या में कार्यक्रम होगा। पहला कार्यक्रम, क्या तैयारी है, क्या करेंगे? शुरुआत में लखनऊ इकट्ठे होंगे तो क्या क्या रहेगा, क्या तैयारी? हमने दो ऑप्शन दिया है कि हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री से कराई जाए, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री के यहाँ समस्त अधिकारियों के साथ कराई जाए, चीफ सेक्रेटरी से कराई जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो 2 बजे के बाद का रुख जो होगा वो हमारे सभी जो आए हुए शिक्षा मित्र साथी होंगे, जो हमारी भीड़ होगी, जो हमारी मास होगी, उससे वार्ता करने के बाद हम निर्णय लेंगे कि हमें आगे क्या करना है। और ये धरना हमारा बढ़ भी सकता है, 2-3 दिन भी चल सकता है, संघर्ष भी लंबा हो सकता है, आगे लोग रोड पे भी आ सकते हैं, बड़ा आंदोलन हो सकता है। फिलहाल ये मान के चले जाए कि आर पार की लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है,
जब तक अधिकार नहीं मिलेगा। जी जी क्या कहेंगे शिक्षा मित्रों को लेकर, शिक्षा मित्रों से क्या अपील करेंगे कल, क्या कहना चाहेंगे शिक्षा मित्रों से? अपील करता हूं कि आप पूरी ताकत के साथ आइए, आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि पूरी ताकत के साथ आइए, अपनी चट्टानी एकता दिखाइए, आप अपने पूरी ऊर्जा को लगाइए और फिर उसी एनर्जी और ऊर्जा के साथ जैसे हम लोग 4 में लड़े, 5 में लड़े, 7 में लड़े, 8 में लड़े, 10 में लड़े, 14 में अध्यापक हुए, फिर हम 17 में लड़े, 18 में लड़े और उसी ऊर्जा और एनर्जी के साथ हम लोग लड़ेंगे और मुझे विश्वास है कि अगर हम लड़ेंगे तो जीतेंगे, जरूर जीतेंगे।